अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय डॉक्टर रियाज। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है, इसके लिहाज से हमने इसको रेशनलाइज करना है। तो इसका तरीक़ेकार ये है, 7 ओवर अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 5। तो अब रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का तरीक़ेकार ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है नीचे, इसका अगर माइनस साइन है तो प्लस के साथ, प्लस है तो माइनस, यानी अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 है, इनके बीच में नीचे क्या है, माइनस साइन है, तो आप प्लस यहाँ पर लगा दें, यानी अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करें और इसी को दोबारा से इससे डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड से करें। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ, और नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाता है। किस तरह से, दिस इज लाइक ए, दिस इज लाइक बी, एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है। यानी फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, एक ए माइनस बी है और एक ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह हम नीचे फार्मूला अप्लाई करते हैं, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर ऐसे ही रहेगा, 7 अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 5 ब्रैकेट क्लोज ओवर, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे, इस तरह यहाँ पर भी। अब नीचे क्या रह जाता है, 2 माइनस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस 5 से क्या आता है, माइनस 3। तो ये आ जाएगा 7 अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 5 ओवर माइनस 3। इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, या जो नेगेटिव है ये एज अ होल नंबर के साथ होता है, तो ये आएगा 7 अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 5 ओवर 3। 3 के साथ जो नेगेटिव साइन था ये मैंने साइड पे लिख दिया, ये पूरे नंबर के साथ है, सिर्फ 3 के साथ ही, पूरे नंबर के साथ। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करना है हमने इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है, मैं इधर ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है इसी को लिखते हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो ये आएगा 4 प्लस 2 अंडर द रूट 3, सेम यही नीचे भी लिखेंगे, 4 प्लस 2 अंडर द रूट 3, यानी यहाँ पर माइनस साइन था और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लस। दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। तो 4 प्लस 2 अंडर द रूट 3, और सेकेंड वन है 4 प्लस 2 अंडर द रूट 3 ओवर 4 माइनस 2 अंडर द रूट 3 इंटू 4 प्लस 2 अंडर द रूट 3। ऊपर देखें, ब्रैकेट में दोनों सेम है, तो इस वजह से हम उस होल स्क्वायर लगा सकते हैं, 4 प्लस 2 अंडर द रूट 3 होल स्क्वायर, दोनों सेम है तो स्क्वायर आ गया। और नीचे अगर आप देखें, यहाँ पर दिस इज ए, सेम है, और इस तरह ये बी, ये सेम है। अब यहाँ पर देखें, माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, दिस इज लाइक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यही, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी ए प्लस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओवर, यहाँ पर देखिए हम फोर स्क्वायर है तो आएगा 16 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ज़रा ये टू, ये जो स्क्वायर है ये पावर टू के ऊपर अलग लगाएंगे और अंडर रूट थ्री के ऊपर अलग लगा देंगे, तो टू के ऊपर अलग लगा देंगे तो ये बन जाएगा फोर मल्टीप्लाई, जब अंडर रूट थ्री के ऊपर लगाएंगे तो थ्री का अंडर रूट इस पावर टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो थ्री रह जाएगा। अब ये आ जाएगा 16 प्लस, उसी तरह टू का स्क्वायर अलग होगा और अंडर रूट थ्री का स्क्वायर अलग होगा तो टू का स्क्वायर फोर आ जाता है और थ्री अंडर रूट का अंडर रूट कैंसिल हो जाता है थ्री रह जाता है, प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे टू फोर ज़र एट, एट टू ज़र 16 अंडर द रूट थ्री, और नीचे हमारे पास आता है 16 माइनस 12, तो अब ये आ जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 16 अंडर द रूट 3 ओवर 16 माइनस 12 से आ जाता है 4। अब ये दोनों प्लस कर देंगे 16 और 12 को, तो ये आ जाएगा 28 प्लस 16 अंडर द रूट 3 ओवर 4। ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 4 7 जर 28 प्लस 4 4 जर 16 अंडर द रूट 3 ओवर 4। अब ऊपर 4 और नीचे वाला 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7 प्लस 4 अंडर द रूट 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, इसको रेशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 अंडर द रूट 3, नीचे प्लस साइन के साथ है, यहाँ पर हम माइनस के साथ लिखेंगे यानी अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी फैक्टर से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी 10 अंडर द रूट 2 ब्रैकेट 5 इंटू अंडर द रूट 3 माइनस 7 ओवर, अब ये ब्रैकेट में लिखेंगे 5 अंडर द रूट 3 प्लस 7 ब्रैकेट 5 अंडर द रूट 3 माइनस 7। अब हम इसको लिखते हैं, ये 10 अंडर द रूट 2 ये मल्टीप्लाई होगा पहले इसके साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो स्क्वायर रूट से बाहर है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी 5 और 10, तो ये बन जाएगा 50 और अंडर रूट के अंदर ये 2 भी अंडर रूट के अंदर है और ये 3 भी अंडर रूट में है तो 2 और 3 अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे। अब माइनस, अब यही मल्टीप्लाई होगा इस 7 के साथ, तो क्योंकि 7 अंडर रूट के अंदर नहीं है और यहाँ पर ये 10 भी अंडर रूट से बाहर है तो ये 7 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 70 और 10 के साथ जो अंडर रूट 2 है वो भी आएगा साथ, नीचे आएगा फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 50 टू थ्री जर 6 माइनस 70 अंडर द रूट 2 ओवर, यहां पर देखें ये स्क्वायर 5 के ऊपर अलग आएगा तो ये बन जाएगा 25
मल्टीप्लाई यही स्क्वायर अंडर रूट 3 के ऊपर आएगा, तो 3 का जो अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 3 रह जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब ऊपर आता है हमारे पास 50 अंडर द रूट 6 माइनस 70 अंडर द रूट 2 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 75 माइनस 49, 50 अंडर द रूट 6 माइनस 70 अंडर द रूट 2 ओवर, ये माइनस कर देंगे तो 5, 15, 15 से 9 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऊपर से हम 2 का मान ले सकते हैं, अगर हम 2 का मान ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 25, यानी 25 टू जर 50, अंडर रूट 6 अपनी जगह पे है, और यहाँ पर 35 आ जाएगा अंडर द रूट 2, और नीचे है 26, इनकी कटिंग हो जाती है 2 वन जर 2, 2 13 जर। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 25 अंडर द रूट 6 माइनस 35 अंडर द रूट 2 ओवर 13। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट अब सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2x और 3y अंडर द रूट, और इस तरह से 2x अंडर द रूट और 3y अंडर द रूट, यहां पर देखिए कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो यहां पर हम इसका अपोजिट साइन लगा देंगे यानी प्लस। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में, तो ऊपर है 2x अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट 3y ब्रैकेट अंडर द रूट 2x प्लस अंडर द रूट 3y, और नीचे अंडर द रूट 2x माइनस अंडर द रूट 3y इंटू अंडर द रूट 2x प्लस अंडर द रूट 3y। अब ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स ब्रैकेट में सेम है, ये और ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर आएगा, तो अंडर द रूट 2x प्लस अंडर द रूट 3y होल स्क्वायर ओवर, नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 2x अंडर द रूट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट 3y स्क्वायर। अब ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, दिस इज लाइक a एंड दिस इज b होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और नीचे स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो नीचे रह जाता है 2x माइनस 3y। अब ऊपर देखें ये स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता है 2x प्लस 3y प्लस 2। अब ये 2x और 3y ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x इंटू 3y ओवर 2x माइनस 3y। अब फाइनल आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2 इंटू 6xy अंडर द रूट ओवर 2x माइनस 3y। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। अब क्योंकि
डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है अंडर द रूट 6, तो इसी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करें। यहाँ पर प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंबल एक टर्म है। तो अब ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 8 माइनस अंडर द रूट 10 ब्रैकेट क्लोज। और अब ये अंडर रूट 6 है, ये भी अंडर रूट 6 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। और जब ये वाला ऊपर वाला अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो दोनों क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर द रूट 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस, इसी तरह यहाँ पर भी आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 और नीचे आ जाता है क्योंकि ये कट जाएगा तो नीचे आ जाता है 6। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 48 और यहाँ पर आ जाएगा 60 और नीचे आ जाता है 6। यहाँ पर इसकी ज़रा सेटिंग करते हैं, अगर हम 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 48 आता है, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 60 आता है। इस तरह लिखने का क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जो 16 है इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता है, तो ये 4 इसका बाहर आ जाएगा 16 का अंडर रूट और 3 अंदर ही रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4 है, 4 का अंडर रूट निकल आता है 2, वो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 15 रह जाएगा और नीचे आ जाता है 6। अब ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 टू जर 4 2 आ जाएगा अंडर द रूट 3 माइनस ये वाला 2 बाहर चला गया अंडर रूट 15 ओवर 6। अब इनकी कटिंग हो जाती है यानी 2 और 6 की, 2 वन जर 2 2 थ्री जर 6। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर है 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 माइनस अंडर द रूट 15 ओवर 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, रेशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है? अंडर द रूट ए, अंडर द रूट बी और नीचे अंडर द रूट ए, अंडर द रूट बी। यहाँ पर देखिए कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे यानी अपोजिट साइन लगा देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट बी, यानी ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट बी। अब ऊपर वाला ऐसा ही लिखेंगे, सी इंटू अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट बी ओवर, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहां पर कटिंग हो जाएगी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा सी इंटू अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट बी ओवर ए माइनस बी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। 2 और अंडर रूट 3 है और इसी तरह सेम यहां पर भी लिख देते हैं। यहां पर देखें माइनस साइन है, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो ये रेशनलाइजेशन है। अब ऊपर वाला 6 है, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर के साथ यानी 2 प्लस अंडर द रूट 3 के साथ, और इस तरह से नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी 2 माइनस अंडर द रूट 3 एंड 2 2 प्लस अंडर द रूट 3। नाउ दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर द रूट 3 और यहां पर क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस अंडर द रूट 3 ओवर ये 2 स्क्वायर से क्या आएगा 4 माइनस ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3। तो अब ये आ जाता है 6 इंटू 2 प्लस अंडर द रूट 3 नीचे आ जाता है 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 नहीं लेते नीचे तो ये 6 भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 टू जर 12 प्लस 6 इंटू अंडर द रूट 3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। अस्सलाम वालेकुम। अब एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और इसमें हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है 3 ओवर अंडर द रूट 6 माइनस अंडर द रूट 2 तो हमने इसको क्या करना है रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज किस तरह करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के हिसाब से। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर द रूट 6 और अंडर द रूट 2 और इसी तरह यही हम नीचे भी लिख देंगे अंडर द रूट 6 और अंडर द रूट 2। यहाँ पर अब फोकस करें यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस साइन है तो हमने रेशनलाइज जब करना है तो इसके अपोजिट साइन के साथ यही माइनस है तो हमने प्लस वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 2 यानी ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट में लिखें 3 मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट में लिख देते हैं अंडर द रूट 6 माइनस अंडर द रूट 2 ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 2। अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है अगर आपके पास a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सिचुएशन आपको यहाँ पर नज़र आएगी दिस इज a यानी अंडर रूट 6 दोनों है सेम है और यहाँ पर अंडर रूट 2 ये दोनों सेम है और क्या है यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर प्लस साइन है इन अपोजिट साइन है। तो इसी तरह जिस तरह यहाँ पर अपोजिट साइन है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हम फार्मूला यही अप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 2 और नीचे फार्मूला जब अप्लाई होगा तो अंडर रूट 6 के ऊपर अलग स्क्वायर आएगा माइनस लगा के और अंडर रूट 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे इस तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 2 ओवर यहाँ पर 6 बच जाता है और यहाँ 2 बच जाता है तो 6 माइनस 2 सो और फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर इज 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 2 ओवर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं ये भी बहुत ही आसान है। तो ये 3 जो ब्रैकेट से बाहर हैं इसी तरह रहने दें। अब हमने यहाँ पर ये करना है कि ब्रैकेट के अंदर क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस साइन है प्लस और माइनस हो तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास नीचे आएगा अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 2 इंटू अंडर द रूट 5 माइनस अंडर द रूट 2 तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो इसी तरह जब ये एलसीएम होगा तो ये 1 के साथ ये अपोजिट वाला मल्टीप्लाई होगा यानी 1 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 5 माइनस अंडर द रूट 2 और उसके बाद प्लस साइन है प्लस साइन के बाद क्या करना है ये 4 इसके अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा मींस 4 ब्रैकेट अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 2 और ये वाली ब्रैकेट अब क्लोज। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट नीचे फार्मूला अप्लाई होगा दिस इज लाइक ए प्लस बी और दिस इज लाइक ए माइनस बी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर क्या करना है
ये मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो अंडर रूट 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये आएगा प्लस 4 अंडर द रूट 5, और यही 4 इस अंडर रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 4 अंडर द रूट 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने देखना है कि ये अंडर रूट 5 है और इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये 1 होता है। तो इसी तरह ये अंडर रूट 5 है और इसके बाहर क्या है, 4। तो ये वाला 4 और ये बाहर वाला 1 आपस में यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 5, यानी 1 प्लस 4 5, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 5 अंडर द रूट 5। इसी तरह आप यहाँ पर देख लें, ये माइनस 1 अंडर द रूट 2 है और यहाँ पर प्लस 4 अंडर द रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 तो आएगा। अब बाहर क्या है, यहाँ पर देखो माइनस 1 है और यहाँ पर क्या है, प्लस 4 है, तो माइनस 1 प्लस 4 से क्या आएगा, प्लस 3, तो आएगा प्लस 3 अंडर द रूट 2। और नीचे देखें, नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2, तो अब ये आएगा 3 ब्रैकेट 5 अंडर द रूट 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 2 ओवर 3। नीचे हमारे पास क्या है, 3। तो अब क्या होगा, ये बाहर वाला 3 इस नीचे वाले 3 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 2। तो ये है हमारे पास फाइनल और सिंप्लीफाइड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 2, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3। ये जहन में रखें, ये जो अंडर रूट से बाहर वाला 3 है इस बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 3 टू जर 6। और इस तरह से ये जो स्क्वायर रूट है, ये दोनों स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे दोनों सेम है तो स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यही नंबर जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 अंडर द रूट 3 के साथ, तो यहाँ पर आएगा, जिस तरह मैंने बताया बाहर 3 है और यहाँ पर बाहर इस स्क्वायर रूट से बाहर क्या है, 8 है, तो ये 8 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, यानी कौन सा 3, ये वाला बाहर वाला 3 जब मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस 24। अब अंडर रूट 2 है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इस अंडर रूट 3 के साथ, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि वो डिफरेंट है, स्क्वायर नहीं आएगा। अब ये आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो रह जाता है 2 माइनस 24 और यहाँ पर अंडर रूट 6, तो अब ये आ जाता है 6 टू जर 12 माइनस 24 अंडर द रूट 6। तो ये हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर 12 माइनस 24 अंडर द रूट 6। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमने सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अंडर रूट 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये अंडर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक स्क्वायर रूट डाल के 3 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया, और उसके बाद यही अंडर रूट 3 माइनस 8 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं अंडर रूट 2 को पहले किसके साथ, अंडर रूट 6 के साथ, तो ये माइनस साइन आएगा, तो माइनस एक स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 6, और यही अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों के बाहर क्योंकि माइनस साइन है, ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन,
तो ये इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 2 × 8। तो अब ये आ जाएगा 18 अंडर द रूट माइनस 24 अंडर द रूट माइनस 12 अंडर द रूट प्लस 16। अब हमने क्या करना है, इसको अगर हम देखें 18 को, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 × 9 या 9 × 2। इस तरह मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो स्क्वायर रूट इससे यह आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह ऐसा नंबर जो कि जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता हो, मतलब क्या है मेरा कि अगर 4 हो तो ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। अगर ये 9 हो तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। अगर ये 16 हो तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो इस तरह से जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा 4 का तो 2 बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट लूँगा तो 3 बनेगा, 16 का स्क्वायर रूट लूँगा तो 4 बनेगा। इस तरह 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसी तरीके से मैंने 9 × 2 करके 18 बनाया, और इस तरह 24 के लिए, अब देखिए 24 मैं क्या कर सकता हूँ, 24 को अगर हम ब्रेक कर दें तो 6 × 4 लिख सकते हैं, 3 × 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 × 8 में न तो 3 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता है, ना 8 का निकलता है। इस तरह यहाँ पर 6 का स्क्वायर रूट तो पूरा पूरा नहीं निकलता, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 2। तो इस वजह से ये लिखना ज़रूरी है कि 4 × 6। और इसी तरह ये 12 जो है इसको भी हम लिख सकते हैं 4 × 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता है। और इस तरह यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। सो अब क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 रह जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट के अंदर 6 रह जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, और अंडर द रूट 3 प्लस 4। तो ये हमारे पास फाइनल और सिंप्लीफाइड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 5th पार्ट है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ये आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 + 8 − 2 अंडर द रूट। अब ये भी क्योंकि अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 + 8 = 13 माइनस 2 इंटू, तो ये आ जाता है क्या, 40। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 − 2। अब 40 को इस तरह मैं ब्रेक करता हूँ, 4 × 10 लिख सकता हूँ, 4 × 10 से 40 आएगा। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकल सकेगा। सो 13 − 2 × क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, वो बाहर आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 10 रह जाएगा। तो फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ जाता है 13 − 4 √10। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 3 − √8 देन फाइंड x प्लस 1/x होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें कि x की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट x इज इक्वल टू 3 − √8, ये x की वैल्यू हमें गिवन है, तो अब हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू 1/, जिस तरह हमने x नीचे लिख दिया तो x की वैल्यू भी हम नीचे लिख देंगे। अब हमने इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज किस तरह है, 3
अपोजिट साइन के साथ, यानी यहाँ पर क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो 3 प्लस अंडर द रूट 8 ओवर 3 प्लस अंडर द रूट 8। तो अब ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 3 प्लस अंडर द रूट 8 ओवर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस अंडर द रूट 8 इंटू 3 प्लस अंडर द रूट 8। तो अब 1 ओवर x विल बी इक्वल टू ऊपर 3 प्लस अंडर द रूट 8 आ रहा है, और नीचे आप नज़र दौड़ाएं, दिस इज लाइक a माइनस बी एंड दिस इज लाइक a प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर द रूट 8 ओवर 9, 3 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 8। तो नीचे क्या आ जाता है 1, सो 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर द रूट 8। तो ये अब हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई है। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर की इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्या है, देखें ये x है, x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस अंडर द रूट 8, उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस साइन है, प्लस साइन के बाद क्या है 1 ओवर x, और वो हमारे पास है ये वैल्यू, यानी 3 प्लस अंडर द रूट 8 और उसके बाद क्या है होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर ये माइनस अंडर द रूट 8 प्लस अंडर द रूट 8 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3, ये 3 आएगा और ये प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6, तो स्क्वायर आ जाएगा। सो x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 6 का स्क्वायर क्या आता है 36। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, बुक में ये क्वेश्चन 34 दिया हुआ है जो कि गलत है, तो 36 ही आता है क्योंकि 6 का स्क्वायर 34 नहीं आता, 36 आता है, तो बुक में आप ये करेक्शन कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, x हमारे पास है, अब हमने सबसे पहले 1 ओवर x फाइंड करना है, तो 1 ओवर x इज इक्वल टू जिस तरह फर्स्ट पार्ट में हमने किया उसी तरह हमने 1 ओवर x पहले फाइंड करना है 2 प्लस अंडर द रूट 3। अब करना क्या है, इसका इसको हमने रेशनलाइज करना है, यहाँ पर माइनस प्लस साइन है तो हमने माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी 2 माइनस अंडर द रूट 3 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 माइनस अंडर द रूट 3 से डिवाइड भी किया। तो अब ऊपर आ जाता है 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर द रूट 3, और नीचे आता है हमारे पास 2 प्लस अंडर द रूट 3 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर द रूट 3। तो अब 1 ओवर x आएगा ऊपर 2 माइनस अंडर द रूट 3, और नीचे आता है हमारे पास 2 प्लस, अच्छा यहाँ पर आप देखें इसको हम यू कर लेते हैं कि फार्मूला अप्लाई होता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाता है 2 माइनस अंडर द रूट 3, और नीचे आ जाता है 4 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है 3, तो नीचे आ जाता है 1। तो 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर द रूट 3 ओवर 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये है, क्वेश्चन हमने जो फाइंड करना है सॉल्यूशन वो x पावर 4 1 प्लस 1 ओवर x पावर 4 ये हमने फाइंड करना है ये, लेकिन ये हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए सबसे पहले हमने x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर लेना है, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। नाउ देखिए 1 ओवर x की वैल्यू है 2 माइनस अंडर द रूट 3, और x की वैल्यू है 2 प्लस अंडर द रूट 3।
नाउ एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स क्या हमारे पास टू प्लस अंडर द रूट थ्री और वन ओवर एक्स, ये मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी। अब वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, टू माइनस अंडर द रूट थ्री। अब देखें क्या आएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और टू प्लस टू कितना आ जाएगा फोर, यानी एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है फोर। अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड के जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर और इसी तरह फोर का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, दिस इज लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 16। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और एक्स कट जाएंगे तो टू इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू इज इक्वल टू 16। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस टू, टू उस साइड पे चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। क्योंकि हमने एक्स पावर फोर प्लस वन ओवर एक्स पावर फोर की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगेन हम स्क्वायरिंग करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का दोबारा से हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसका भी हमने स्क्वायर लिया और 14 का भी हमने स्क्वायर लिया, यानी इस साइड इसके दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया। अब अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये आ जाता है 196, 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आता है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आएगा तो पावर 4 बन जाएगी, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2, बाकी कैंसिल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6196। अब 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 196 माइनस 2। सो और फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर इज एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 194। उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। तो इसका तरीका कार ये है कि आप पेन और कागज़ उठाएं और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते जाएं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी, सिर्फ देखने से इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इफ़ 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 7 माइनस अंडर द रूट 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। यहाँ पर आप देखें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू है तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो दोनों आपस में ऐड करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 7 माइनस अंडर द रूट 6, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको उलट कर देंगे यानी एक्स ओवर 1 कर दें आसानी के लिए, और इसके नीचे 1 था जो लिखते हमने ये नीचे वाला 1, तो अब हम इसको भी जिस तरह हमने इसको उलट किया 1 ओवर एक्स कर दिया और इस तरह इसको भी हम उलट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर द रूट 7 माइनस अंडर द रूट 6, यानी एक्स के वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1 ओवर अंडर द रूट 7 माइनस अंडर द रूट 6, ये वैल्यू है। लेकिन हम सिंप्लीफाई करेंगे रेशनलाइज करके अंडर द रूट 7, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो अपोजिट साइन यानी प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे
और इस तरह से अंडर द रूट 7 प्लस अंडर द रूट 6। तो अब 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा अंडर द रूट 7 प्लस अंडर द रूट 6 ओवर ब्रैकेट में अंडर द रूट 7 माइनस अंडर द रूट 6 ब्रैकेट अंडर द रूट 7 प्लस अंडर द रूट 6। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ओवर दिस इज a माइनस b एंड दिस इज a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर द रूट 6 ओवर, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो रह जाता है 7 माइनस 6। तो 7 माइनस 6 से 1 आ जाता है, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर द रूट 7 प्लस अंडर द रूट 6 ये आ जाता है हमारे पास x की वैल्यू। अब हमने फाइंड क्या करना था, नाउ x प्लस 1 ओवर x इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। अब देखिए x की वैल्यू ये आ गई है अंडर द रूट 7 प्लस अंडर द रूट 6, उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस साइन है, उसके बाद 1 ओवर x जो ऑलरेडी हमारे पास है ये वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू ये माइनस अंडर रूट 6 है और ये प्लस अंडर रूट 6 कट जाएंगे, तो यहाँ पर ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 यानी यहाँ पर बाहर 1 होता है, यहाँ पर भी बाहर 1 होता है, ये 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो 2 अंडर द रूट 7। तो ये हमारे पास फाइनल और सिंप्लीफाइड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने दो चीज़ें फाइंड की, एक हमने x की ये वैल्यू फाइंड की कि x इज इक्वल टू अंडर द रूट 7 प्लस अंडर द रूट 6, और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड की वो हमने फाइंड की x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 7। यहाँ पर हमने जो काम करना है वो सबसे पहले यानी हमने जाना है, हमारा टारगेट है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारा टारगेट है। इसी को जहन में रखें, यहाँ पर मैं रफ में आपको सिर्फ पहले सामने रख दे। तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इन टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो देखिए हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है विच इज़ 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 7, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू नहीं है। ये अगर हम फाइंड कर लेंगे तो यही फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास समरी है। तो अब आते हैं, फर्स्ट वी फाइंड एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो एक्स हमारे पास क्या है, अंडर द रूट 7 प्लस अंडर द रूट 6 माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू, ये जो ऑलरेडी गिवन है अंडर द रूट 7 माइनस अंडर द रूट 6। अब ये वाली ब्रैकेट खत्म कर देंगे, अंडर द रूट 7 प्लस अंडर द रूट 6 माइनस अंडर द रूट 7, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस अंडर द रूट 6। यहाँ पर ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन के साथ हैं, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो 2 बन जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 6 यानी x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो अब x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू भी है, ये जो फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड कर चुके हैं ये वाली, और अब हमने x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू भी फाइंड की। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस
वन ओवर अंडर द रूट एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन ओवर अंडर द रूट एक्स। ये हमने कहाँ से ये फॉर्मूला निकाला? यू क्योंकि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया। अब हम वैल्यूज डाल लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या आई हुई है? टू मल्टीप्लाई अंडर द रूट सेवन, और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या आई हुई है? टू मल्टीप्लाई अंडर द रूट सिक्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई, ये टू और टू मल्टीप्लाई होंगे, टू टू जर फोर, और ब्रैकेट के अंदर सेवन और स्क्वायर रूट के अंदर सेवन और सिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फोर मल्टीप्लाई ये आ जाता है 42। तो फोर मल्टीप्लाई अंडर द रूट 42, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर का। अब क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करते हैं, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास वन ओवर एक्स की वैल्यू है एज वन ओवर एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 10 प्लस 2। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, जिस तरह हमने वन ओवर एक्स को उलट किया इस तरह इसको भी उलट कर देंगे, तो वन ओवर अंडर द रूट 10 प्लस 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज कर देंगे, तो अंडर रूट 10 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 10 माइनस 2 के साथ डिवाइड भी किया, तो ऊपर आ जाता है 1 के साथ मल्टीप्लाई करके अंडर द रूट 10 माइनस 2, और नीचे ब्रैकेट के अंदर अंडर द रूट 10 प्लस 2 और अंडर द रूट 10 माइनस 2। तो अब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर द रूट 10 माइनस 2 ओवर, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास अंडर रूट 10 है और b हमारे पास 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाता है अंडर रूट 10 माइनस 2 ओवर, यहाँ पर इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो x इज इक्वल टू अंडर द रूट 10 माइनस 2 ओवर 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और 1 ओवर x की वैल्यू पहले से गिवन है, वो यहाँ पर मैं सामने लिख देता हूँ, ये गिवन है 1 ओवर x की वैल्यू जो कि अंडर रूट 10 प्लस 2 है, अंडर रूट 10 प्लस 2, ये वैल्यू पहले से गिवन है और ये x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की। अब पहला पार्ट जो हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो ये है कि हमने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पहला पार्ट है। तो इसके मुताबिक क्या करना है? x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू x की वैल्यू यही आपके सामने है अंडर द रूट 10 माइनस 2 ओवर 6, और 1 ओवर x की वैल्यू क्या है? ये मैंने x की वैल्यू डाल दी, प्लस लिख दिया, और उसके बाद 1 ओवर x व्हिच इज अंडर द रूट 10 प्लस 2। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या है 1, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 10 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये वाला प्लस, और अब हमने 6 को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 6 ब्रैकेट अंडर द रूट 10 प्लस 2। अब ऊपर वाले ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें, तो अंडर द रूट 10 माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 10 प्लस ये 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 आ जाएगा ओवर 6। तो अब ये आ जाता है, ये अंडर रूट 10 से बाहर 1 है और अंडर रूट 10 से बाहर यहाँ पर 6 है, तो 1 और 6 प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7 अंडर द रूट
10, और इस तरह से ये माइनस 2 है और ये प्लस 12 है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 10 ओवर 6। तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 7 अंडर द रूट 10 प्लस 10 ओवर 6। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया है। अब हमने नाउ x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू पहले डालते हैं, अंडर रूट 10 माइनस 2 ओवर 6, और उसके बाद माइनस साइन है, माइनस 1 ओवर x अंडर रूट 10 प्लस 2। ऊपर ये चेक कर लें, ये हमारे पास x और 1 ओवर x की वैल्यूज हैं। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा, सबसे पहले इसके नीचे क्या है 1, तो यहां नीचे क्या है 6, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। तो क्या होगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 10 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस साइन है। अब ये 6 इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट अंडर द रूट 10 प्लस 2। तो अब ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, ब्रैकेट खत्म कर देते हैं, अंडर द रूट 10 माइनस 2 माइनस 6 अंडर द रूट 10, और अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 12 आ जाएगा ओवर 6। तो अब यहां पर देखें, ये इस 10 के बाहर 1 है और यहां इस 10 के बाहर माइनस 6 है, तो 1 माइनस 6 क्या आ जाता है, माइनस 5 अंडर द रूट 10, और इसी तरह यहां पर माइनस 2 है और ये माइनस 12 है, तो ये आ जाता है माइनस 14 ओवर 6। सो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 10 माइनस 14 ओवर 6। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम, जिस तरह हमारे पास x है कि एज x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3, तो जब हमारे पास x है तो सबसे पहले हम, यानी आप समरी उसको देख लें, हमने क्या करना है, सबसे पहला काम x क्योंकि गिवन है तो इसके बेस पे हमने क्या फाइंड करना है, 1 ओवर x फाइंड करना है। जब x होगा 1 ओवर x होगा तो हमने क्या फाइंड करना है, 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। जब ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर x आ जाएगा तो फिर हम इसके बाद इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब देखें क्या करना है, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3, 1 ओवर x क्या होगा, उसको उलट कर देंगे, तो 1 ओवर 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कैसे होगा, 7 अपोजिट साइन के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3, इस तरह 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3, तो अब ये आएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 ओवर 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3। अब ऊपर आएगा 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 ओवर, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 ओवर x आएगा 7 माइनस 4 अंडर द रूट 3 ओवर 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, माइनस यहां पर आपने क्या करना है, देखिए 4 के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा, अंडर रूट 3 के ऊपर
स्क्वायर अलग आएगा। तो जब ये आएगा तो 16 बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाएगा तो 3 रह जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 48। तो इसका मतलब इस स्क्वायर से क्या आएगा 48 आएगा। तो अब 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर द रूट 3 ओवर 1, यानी 49 माइनस 48 से 1 आएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इस पोजीशन में है कि x प्लस 1 ओवर x फाइंड कर सकते हैं, x प्लस 1 ओवर x, तो x की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस 4 अंडर द रूट 3, ये मैंने x की वैल्यू डाल दी, उसके बाद क्या है प्लस साइन है, उसके बाद 1 ओवर x की वैल्यू जो कि यहाँ पर है 7 माइनस 4 अंडर द रूट 3। तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं, सेम कट जाएंगे, तो 7 प्लस 7 क्या आएगा 14। तो हमारे पास 14 आ गया है x प्लस 1 ओवर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे बाय फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी इज इक्वल टू, ये आएगा 196। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, यहाँ पर x और x की कटिंग हो जाएगी, ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 196। अब ये 2 दूसरे साइड पे चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 2। तो अब ये माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 194। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। पी की वैल्यू हमारे पास है अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3, तो सबसे पहले हमने 1 ओवर पी फाइंड करना है। नाउ 1 ओवर पी इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3। अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो अपोजिट साइन के साथ अंडर रूट 2 प्लस अंडर द रूट 3 ओवर अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 3, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो अब ये आएगा 1 ओवर पी, ऊपर आता है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अंडर द रूट 3 ओवर, नीचे आएगा अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3 ब्रैकेट में, और इस तरह से दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस के साथ अब आएगा, ऊपर आ जाता है अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 3, और नीचे फार्मूला अप्लाई होगा, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 ओवर पी विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 3 ओवर, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो नीचे रह जाता है 2 माइनस 3 विच इज अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 3 ओवर, अब आता है माइनस 1, प्लस 1 नहीं आता बल्कि माइनस 1 आता है। अब हम इसको डायरेक्टली इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो क्योंकि नेगेटिव साइन भी साथ है, तो अब 1 ओवर p विल बी इक्वल टू, अब ये ऊपर वाला 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन अंडर रूट 2 के साथ भी आएगा और अंडर रूट 3 के साथ भी आएगा। अब पहला पार्ट हमने जो फाइंड सॉल्व करना है वो क्या है, नाउ p माइनस 1 ओवर p, पहला हमने ये फाइंड करना है, तो p क्या हमारे पास अंडर द रूट 2, देखिए ऊपर से p की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3,
और 1 और p दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, माइनस अंडर द रूट 3। ये मैंने p की वैल्यू डाल दी। अब इसके बाद क्या है, माइनस साइन है ब्रैकेट 1 ओवर p की वैल्यू, 1 ओवर p क्या है अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3। तो अब ये आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म करेंगे, अंडर द रूट 3 2 माइनस अंडर द रूट 3। अब ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो अब ये आ जाएगा प्लस अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 3। तो अब ये दोनों अपोजिट साइन के साथ है कट जाएंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 1 है, तो 1 और 1 प्लस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2 अंडर द रूट 2। तो p माइनस 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 2। तो हमारा पहला पार्ट उसका आंसर आ गया है। अब हमने दूसरे पार्ट की तरफ जाना है। दूसरा पार्ट हमने क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ स्क्वायरिंग, ये जो हमारे पास आंसर आया है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, तो p माइनस 1 ओवर p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर। अब बाय फार्मूला इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर के फार्मूला से, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a इनटू b इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर 2 के ऊपर अलग आएगा तो ये बन जाएगा 4, अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो अब ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर, यहां पर ये p और p कट जाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 4 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 8। तो p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2 बन जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर।